हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आरएल के यूजेस के बारे में। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा आरएल के यूजेस क्या होते हैं, लेकिन गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों में आरएल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और ऐसी कंडीशंस आपके साथ न हो जिसमें आप कोई गलती करें। सबसे पहले हम समझेंगे आरएल के कितने नाम होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके साथ में फिर हम समझेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर किसी को आरएल ज़्यादा दे दिया जाए या फिर गलत तरीके से दे दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम यूजेस के बारे में समझेंगे कि इसके उपयोग क्या है और हम समझेंगे कब इसे यूज नहीं करना है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम का ये वीडियो है। स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आरएल के बारे में बहुत कुछ समझना और सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके कौन से ऐसे नेम हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। सबसे पहला होता है सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, दूसरा है हार्टमैन सॉल्यूशन, तीसरा नाम है इसका रिंगर लैक्टेट, चौथा नेम है इसका रिंगर सॉल्यूशन और पांचवा नेम है इसका रिंगर सेलाइन सॉल्यूशन और छठवा जो नेम है इसका आरएल। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आरएल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही ऊपर देखेंगे तो कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी। अगर हम बात करें इसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है 100 ml में, सबसे पहला है सोडियम लैक्टेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कुछ इसके अंदर कंटेंट्स हैं जो फ्लूड पेशेंट को दिया जाता है, आरएल फ्लूड। उसके साथ में इतने सारे कंटेंट पेशेंट को फ्लूड के साथ में जाते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला है स्वेलिंग, इडिमा, यानी कि पेशेंट को ज़्यादा दे दिया जाए या फिर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट को रिएक्शन हो सकता है, इडिमा हो सकता है। इसके बाद में पेशेंट को हार्ट से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़े हुए पेशेंट्स में नुकसानदायक होता है, यानी जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा ये साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। किडनी पेशेंट्स, लिवर पेशेंट्स, सिरोसिस ऑफ लिवर, ऐसे पेशेंट में ये सावधानी से यूज करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, हाइपरटेंशन होता है, ऐसे पेशेंट में भी इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए, बल्कि यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें उपयोग के बारे में, यूजेस के बारे में, तो डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, और अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है यानी ब्लड प्रेशर जिन मरीजों का कम होता है, ऐसे मरीजों को भी आरएल का फ्लूड दिया जाता है। और मेडिकेशंस डिलीवर, यानी कि ऐसे पेशेंट में जिनको मेडिसिन देनी हो, ऐसे पेशेंट्स में भी आरएल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है हाइड्रेशन को मेंटेन करने में, यानी कि जिन पेशेंट्स में पानी की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो उनको हाइड्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद होता है कैनुला ओपन करने के लिए, जैसे कभी कभार क्या होता है किसी पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है तो कैनुला को ओपन करने के लिए, फ्लश करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और रिस्टोर फ्लूड, यानी कि किसी पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है या फिर सीवियर वर्न हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन कई कारणों से होता है, जैसे कि वोमिटिंग है कॉमनली, और इसके बाद में होता है डायरिया। तो डायरिया और वोमिटिंग की वजह से अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, इवन किसी दूसरे कारण से अगर डिहाइड्रेशन होता है, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग किसी पेशेंट को हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से। इसके साथ अगर हम बात करें ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं या फिर इसे कब यूज नहीं करना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिन पेशेंट्स का ब्लड हाई रहता है ऐसी कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और लिवर के पेशेंट्स जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर है या फिर लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा हो, हार्ट से संबंधित पेशेंट्स और किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स, ऐसे मरीजों में इनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए, बल्कि बिना चिकित्सक सलाह के इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये केवल एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी मेडिकेशंस को घर पर यूज नहीं करना है, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको कोई भी दवाई का उपयोग नहीं करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही
जानकारी देने वाला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।